एंडोक्राइनोलॉजी ई लेक्चर सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। आज के हमारे ई लेक्चर का विषय है एड्रिनल ग्लैंड के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, अर्थात अधिव्रत ग्रंथि की संरचना एवं प्रकार। इस ई लेक्चर में हम हमारे अंदर पाए जाने वाली अधिव्रत ग्रंथि की चर्चा करेंगे, जिसके बारे में कहा जाता है जान है तो जहान है। अर्थात ये ग्रंथि हमारे शरीर में ऐसे हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करती है जिन्हें हम लाइफ सेविंग प्रकार के हॉर्मोन कहते हैं। सबसे पहले हम आज के ई लेक्चर की सिनॉप्सिस, जिसमें हम एड्रिनल ग्लैंड के विभिन्न प्रकार के पहलुओं को जान पाएंगे, लाइक जनरल इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय, लोकेशन एंड मॉर्फोलॉजी अवस्थिति की एवं आकार की, एनाटॉमी या आंतरिक संरचना, हॉर्मोन्स एंड फंक्शंस, इससे स्रावित होने वाले हॉर्मोन्स और वो क्या क्या कार्य करते हैं, एंड लास्ट इस पर आधारित एक छोटी सी इंटरेस्टिंग प्रकार की फीडबैक क्विज जिस पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो सबसे पहले तो हम यही जानने का प्रयास करते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड से हमारा क्या तात्पर्य है या इसे हम एड्रिनल ग्लैंड क्यों कहते हैं। बेसिकली एड्रिनल शब्द जो है वो एक लैटिन वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एड प्लस रीनस, अर्थात ऐसी ग्रंथि जो किडनी के नज़दीक पाई जाती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है, उसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड जो किडनी से एसोसिएट होती है उसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। इस ग्रंथि का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम सुप्रा रीनल ग्लैंड कहते हैं, और यहाँ जो सुप्रा रीनल वर्ड है वो भी एक लैटिन वर्ड है जहाँ सुप्रा का मीनिंग होता है अबव और रीनस का मतलब होता है किडनी, अर्थात हमारे शरीर में पाए जाने वाली एक ऐसी ग्लैंड जो किडनी के ऊपर पाई जाती है उसे हम सुप्रा रीनल ग्लैंड कह सकते हैं। या दूसरे शब्दों में ऐसी ग्लैंड जो सुपीरियर टू किडनी होती है उसे हम जो है वो सुप्रा रीनल ग्लैंड कह सकते हैं। डिस्क्रिप्शन या डिस्कवरी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड को बार्टोलोमो यूस्टाकी 1564 ने डिस्कवर किया था। देखा जाए तो एड्रिनल प्रकार की ग्लैंड जो है वो हमारे जीवन का एक इंट्रिकेट प्रकार का पार्ट है, एक आवश्यक प्रकार का पार्ट है, और ये पार्ट हमारी बॉडी के अंदर HPA सिस्टम के रूप में पाया जाता है जिसे हम हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल सिस्टम भी कहते हैं। बेसिकली हमारी लाइफ से ये जो सिस्टम है वो महत्वपूर्ण प्रकार से रोल अदा करता है। इस ग्रंथि से निकलने वाले जो हॉर्मोन हैं वो लाइफ सेविंग प्रकार के हॉर्मोन कहलाते हैं, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में, स्ट्रेस कंडीशन में यही हॉर्मोन जो है वो हमारे जीवन को बचाने का कार्य करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में पाए जाने वाली दो प्रमुख प्रकार की संरचनाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं, एक जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं या पीयूष ग्रंथि कहते हैं, और दूसरे जो है वो किडनी। इन दोनों प्रकार की रचनाओं के द्वारा एड्रिनल प्रकार के हॉर्मोन से उनको कंट्रोल किया जाता है। फिर हम देखते हैं लोकेशन एंड मॉर्फोलॉजी कि ये ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं, आकार की दृष्टि से कैसी दिखती हैं। तो देखा गया है कि एड्रिनल प्रकार की जो ग्लैंड है वो हमारे अंदर जो दो किडनी पाई जाती है उन दोनों किडनी के ऊपर जो है वो ट्रायंगुलर ग्लैंड के रूप में पाई जाती है, और ट्रायंगुलर ग्लैंड्स लोकेटेड अबाउट ईच किडनी, प्रत्येक किडनी जो है उस पर एक त्रिकोणाकार प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है जो एड्रिनल होती है। ईच एड्रिनल ग्लैंड वेथ अबाउट 5 ग्राम, प्रत्येक एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो लगभग 5 ग्राम की होती है, मेजर्स अबाउट 50x30x10 mm, अर्थात 50 mm लंबी होती है, 30 mm चौड़ी होती है और 10 mm जो है वो मोटी होती है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि
या हम ये भी कह सकते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर लंबी होती है, 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 1 सेंटीमीटर जो है वो मोटी होती है। कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ग्लैंड जो है वो येलोइश ब्राउन प्रकार की या पीले पीले भूरे प्रकार की ग्रंथि होती है। शेप की अगर बात की जाए तो जो राइट प्रकार की एड्रिनल ग्लैंड है वो शेप में जो है वो पिरामिडल शेप प्रकार की होती है और साथ ही साथ जो राइट लेफ्ट प्रकार की है उसकी तुलना में छोटी होती है। इसी प्रकार से जो लेफ्ट प्रकार की एड्रिनल ग्लैंड है वो सेमी लूनर टाइप या क्रिसेंट टाइप की होती है, अर्थात अर्धचंद्राकार दिखाई देती है और साथ ही साथ जो राइट प्रकार की एड्रिनल ग्लैंड है उसकी तुलना में बड़ी होती है। ये एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन और उसका एक क्रॉस सेक्शन है कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कहाँ पाई जाती है और क्रॉस सेक्शन या अनुप्रस्थ काट में हमें किस प्रकार की दिखाई देती है। तो यहाँ हम जो है वो देख रहे हैं ये जो फास्ट ब्राउन प्रकार की जो स्ट्रक्चर है ये इसमें किडनी कहलाती है। किडनी से जो है वो यूरेटर है वो एग्जिट होती है और इसी किडनी के ऊपर जो है वो एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। इस एड्रिनल ग्लैंड का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें सबसे बाहर की तरफ जो है वो इसका कैप्सूल या इसका प्रोटेक्टिव प्रकार की लेयर पाई जाती है। देन इसके भीतर की तरफ जो है वो आपको दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक पार्ट जो है वो कैप्सूल से लेकर और ये अंदर की तरफ पाया जाने वाला जो ब्राउन प्रकार का पार्ट है उनके बीच में है, जिसमें आपको दो लेयर दिखाई दे रही हैं और अंदर की तरफ जो है वो आपको एक गहरे भूरे रंग का पार्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ये जो बाहर वाला पार्ट है ये तो कोर्टिकल पार्ट कहलाता है या इसे हम कोर्टेक्स कहते हैं और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये मेडुला कहलाता है, इसे हम मध्यांश कहते हैं और इसी के अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जो इस ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं, यहाँ से हॉर्मोन को पिकअप करती हैं और एसेंशियल प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ग्लैंड को सप्लाई करने का कार्य करते हैं। फिर अगर हम इसकी एनाटॉमी या इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये देखा गया है कि प्रत्येक एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एक कैप्सूल या संपुट या एक प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर जो है वो एनक्लोज होती है, बंद होती है और इसके अंदर जो है वो दो पार्ट पाए जाते हैं, दो भाग पाए जाते हैं। इसका जो आउटर पार्ट है वो कोर्टेक्स कहलाता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो मीसोडर्म होती है उस मीसोडर्म से बनता है। इसका दूसरा जो पार्ट है वो मेड्यूला कहलाता है, ये इनर पार्ट होता है, आंतरिक भाग होता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो एक्टोडर्म होती है उससे डिराइव होता है। आउटर जिसे हम कोर्टेक्स कहते हैं ये स्टीरोइडल प्रकार के या कोर्टिकोइड प्रकार के हॉर्मोन हैं उनका सिक्रेशन करता है और इनर जो मेडुलरी पार्ट है वो एमीन प्रकार के या फिनोलिक प्रकार के हॉर्मोन से उन्हें सिक्रेट करने का कार्य करता है। देखा जाए तो पूरी की पूरी जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अलग अलग प्रकार से होती है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि जो कोर्टेक्स पार्ट है वो अलग प्रकार से जो है वो डिराइव होता है, उसमें जो है वो अलग प्रकार की स्ट्रक्चर है और वो अलग प्रकार के कार्य करती है। इसी प्रकार से जो इनर मेडुला होता है उसके अंदर भी जो है ये एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंट प्रकार के एस्पेक्ट्स जो है वो पाए जाते हैं। इसी प्रकार से एनाटॉमी के अंदर और कुछ विशेषताएं जो हमें एड्रिनल ग्लैंड के अंदर देखने को मिलती है कि एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जो आउटर पार्ट जिसे हम कोर्टेक्स कहते हैं वो कलर में जो है वो पीले या पीला पीला सा जो है वो दिखाई देता है। ये पूरी एड्रिनल ग्लैंड का लगभग 90% भाग बनाता है, वेट वाइज, वजन वाइज और साथ ही साथ जो है वो मेडुलरी पार्ट की तुलना में बड़ा भी होता है। हिस्टोलॉजी के लिए अगर देखा जाए तो इस कोर्टिकल पार्ट के अंदर 3 प्रकार की लेयर्स पाई जाती हैं, जिनमें पहले प्रकार की लेयर है वो जोना ग्लोमेरुलोसा कहलाती है जो आउटर मोस्ट प्रकार की लेयर होती है और इससे निकलने वाले जो हॉर्मोन्स है उन्हें हम मिनरलो कोर्टिकोइड्स कहते हैं। मिडल जो लेयर है वो जोना फेसिकुलेटा कहलाती है और इससे निकलने वाले हॉर्मोन हैं उनको हम कलेक्टिवली ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कहते हैं। तीसरा और अंतिम भाग या इनर मोस्ट प्रकार का जो भाग है वो इसमें जोना रेटिकुलेटा कहलाता है और इससे जो है वो सेक्स कोर्टिकोइड प्रकार के हॉर्मोन है वो सिक्रेट होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोर्टिकल पार्ट के अंदर 3
तीनों लेयर्स अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स हैं उनका सिक्रेशन करती हैं। ये एड्रेनल ग्लैंड की हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो पहला डायग्राम है वो इसका जो ट्रांसवर्स सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन है उसको शो करता है, जिसमें हमें तीन पार्ट दिखाई देते हैं। आउटर मोस्ट कैप्सूल है जो इसके प्रोटेक्टिव प्रकार की लेयर होती है, बीच में जो है वो कॉर्टिकल पार्ट कहलाता है, ये जो लाइट पार्ट है इसके अंदर कॉर्टेक्स है, और ये भीतर की तरफ जो इसके अंदर ब्लूइश पार्ट है वो मेडुला कहलाता है। इसी प्रकार से अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक प्रकार का अगर व्यू देखते हैं तो बाहर की तरफ हमें जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो कैप्सूल दिखाई देती है, फिर उसके नीचे जो है वो सेल्स की एक लेयर है जो इसके अंदर जोना ग्लोमेरुलोसा कहलाती है, देन उसके बाद इसमें एक मोटी और परत है, ये इसके अंदर जो है वो जोना फेसिकुलेटा कहलाती है, और इसके नीचे जो है वो रिलेटिवली एक मोटी परत और है जिसे जोना रेटिकुलरिस कहते हैं, और इस जोना रेटिकुलरिस के नीचे जो लेयर पाई जाती है, जो पार्ट पाए जाते हैं उसको हम मेडुला या मध्यांश कहते हैं। तो यहाँ इस कैप्सूल के नीचे जो तीन लेयर्स हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस, ये तीनों मिलकर इसका कॉर्टिकल पार्ट बनाती हैं, और ये जो अंदर वाला भाग है ये एक सेपरेट पार्ट के रूप में पाया जाता है जिसे मेडुला कहते हैं, इसमें जो है वो सब डिवीजन नहीं पाया जाता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कॉर्टिकल पार्ट है उस कॉर्टिकल पार्ट से तीन प्रकार के हॉर्मोन सिक्रेट किए जाते हैं, जिन्हें हम कलेक्टिवली मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड कहते हैं। तो सबसे पहले हम इनमें पहले प्रकार के हॉर्मोन जिन्हें हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं उन पर डिस्कस करते हैं। तो नाम से देखिए पता चलता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकॉइड जो है वो कॉर्टिकल पार्ट से सिक्रेट होने वाले हॉर्मोन को हम कलेक्टिवली कहते हैं, और मिनरलो का मतलब होता है मिनरल से, यानी ऐसे हॉर्मोन्स जो हमारी बॉडी के अंदर मिनरल पे कंट्रोल करते हैं, मिनरल का रेगुलेशन करते हैं, ऐसे हॉर्मोन्स को हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। तो इन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में देखिए क्या क्या विशेषताएँ पाई जाती हैं, कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं, उनको वन बाई वन करके देखते हैं। सबसे पहले द मेजर मिनरलोकॉइड सिक्रेटेड इंडिपेंडेंटली, कहने का तात्पर्य है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड प्रकार के जो हॉर्मोन होते हैं वो पीयूष ग्रंथि से इंडिपेंडेंट होते हैं, पीयूष ग्रंथि का उन पर नियंत्रण नहीं होता है। इनका जो नियंत्रण होता है, इन प्रकार के जो हॉर्मोन्स कंट्रोल रेगुलेट किए जाते हैं वो किडनी के द्वारा किए जाते हैं। इनके अंदर जो चीफ प्रकार के हॉर्मोन्स हैं उन्हें हम एल्डोस्टेरोन और डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन कहते हैं। एल्डोस्टेरोन बेसिकली सॉल्ट रिटेनिंग प्रकार का हॉर्मोन भी कहलाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट होते हैं, लवण होते हैं, उनको रिटेन करने का काम, उनको धारण करने का काम, उन्हें रेगुलेट करने का काम जो वो एल्डोस्टेरोन करता है। एल्डोस्टेरोन का जो प्रिंसिपल एक्शन होता है वो बेसिकली जो सोडियम प्रकार के आयन होते हैं उनको रिटेन करना है। रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस बॉडी फ्लूड, वेरियस प्रकार के जो बॉडी फ्लूड्स होते हैं जैसे स्वेट होता है या जैसे सलाइवा होता है या फिर जो दूसरे प्रकार के बॉडी फ्लूड्स हैं, उन सभी के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को कंट्रोल करने का काम जो है वो एल्डोस्टेरोन करता है। कंट्रोल्ड बाय लेवल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इन सीरम एंड RAAS, कहने का तात्पर्य है कि ये जो हॉर्मोन्स जो पीयूष ग्रंथि से इंडिपेंडेंट होते हैं तो इन्हें कंट्रोल करने का काम जो है वो हमारे ब्लड के अंदर पाया जाने वाला जो सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, उनका लेवल जो है वो ये तय करता है कि हॉर्मोन कितना निकलेगा और कितना नहीं निकलेगा। इसके साथ साथ ही किडनी के अंदर एक सिस्टम काम करता है जिसको हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम। तो ये जो रास सिस्टम होता है ये भी एल्डोस्टेरोन को जो है वो कंट्रोल करने का कार्य करता है। इस हॉर्मोन के हाइपर सिक्रेशन से एक डिजीज जो है उत्पन्न होती है, एक प्रकार का सिंड्रोम उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं कौनस सिंड्रोम, क्योंकि सबसे पहले इस प्रकार का जो कैरेक्टराइजेशन है उस कैरेक्टराइजेशन को देखने का कार्य जो है वो जेरम डब्ल्यू कॉन 1955 ने जो है वो देखा था, इसलिए उनके ऑनर में हम इसको जो है वो कौन सिंड्रोम कहते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड प्रकार के जो हॉर्मोन हैं उनके हाइपर सिक्रेशन से या अधिश्रावण से जो कौन सिंड्रोम होता है वो किन लक्षणों के द्वारा जो है वो कैरेक्टराइज किया जाता है। बेसिकली इस कौन सिंड्रोम को हम जो है वो प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म भी कहते हैं। ये मुख्यतया जो कॉर्टिकल पार्ट है उस कॉर्टिकल पार्ट के अंदर जो ट्यूमर है या जो कार्सिनोमा है उसके बनने से उत्पन्न होता है, जिससे इसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसके सिक्रेशन
इन हॉर्मोन्स के सिक्रेशन बढ़ने से हमारे अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है वो राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और साथ ही साथ जो ब्लड प्रेशर है उसके अंदर भी जो है वो एनहांसमेंट देखा जाता है। इसके हाइपर सिक्रेशन से जो है वो मस्कुलर प्रकार की वीकनेस या कमजोरी जो है वो हमें देखने को मिलती है, और ब्लड प्लाज्मा के अंदर हमें बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर सोडियम पोटेशियम आयन जो है वो देखने को मिलते हैं, जिनका प्रभाव ये हो सकता है कि वो किडनी को डैमेज कर सकते हैं। और इस कोन सिंड्रोम के अंदर मुख्यतया पोली यूरिया अर्थात जो है वो बार बार जो है वो यूरिन जाने की शिकायत, टिटेनी जो एक प्रकार का मस्कुलर डिजीज है, और कई प्रकार के जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं वो हमें कोन सिंड्रोम में सामूहिक रूप से देखने को मिलते हैं। दूसरे प्रकार के जो हॉर्मोन्स हैं उनको हम ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कहते हैं। यहाँ भी देखिए नाम से पता चलता है कि ऐसे हॉर्मोन जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से या ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म से या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से संबंधित होते हैं उनको हम कलेक्टिवली ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कहते हैं। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स प्रकार के जो हॉर्मोन हैं वो भी देखिए नाम से पता चलता है कि जो कोर्टिकल प्रकार का पार्ट है उस कोर्टिकल प्रकार के पार्ट से रिलीज किए जाते हैं। तो इनके अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं चलिए देखते हैं। तो नॉर्मल प्रकार का जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए ग्लूकोकोर्टिकोइड प्रकार के हॉर्मोन्स होते हैं। इनके अंदर मेजर प्रकार के जो हॉर्मोन्स होते हैं उन्हें हम कोर्टिसोल और कोर्टिकोस्टेरोन कहते हैं, और इनके अंदर भी जो चीफ प्रकार का हॉर्मोन है उसे हम कोर्टिसोल कहते हैं। बेसिकली कोर्टिसोल जो है वो हमारे अंदर जो मेटाबॉलिक प्रकार के एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है, और ख़ास तौर से तीन प्रकार का जो मेटाबॉलिज्म है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है, और लिपिड प्रकार का मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ इस स्ट्रेस के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रकार की रिएक्शंस होती हैं उन मेटाबॉलिक प्रकार की रिएक्शंस को भी जो है वो असिस्ट करने का काम ग्लूकोकोर्टिकोइड्स प्रकार के हॉर्मोन करते हैं। इसी प्रकार से ये देखा गया है कि मिनरल कोर्टिकोइड की तरह ग्लूकोकोर्टिकोइड प्रकार के जो हॉर्मोन हैं उनके भी हाइपर सिक्रेशन से या अधिश्रावण से जो है वो हमारे अंदर कुछ डिजीज या सिंड्रोम जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें हम जनरली कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। इसे सबसे पहले जो है वो हार्वे विलियम कुशिंग 1932 ने जो है वो खोजा था, इसलिए उनके ऑनर में हम इसको जो है वो कुशिंग सिंड्रोम भी कहते हैं। देखते हैं कुशिंग सिंड्रोम में जो है वो किस किस प्रकार का कैरेक्टराइजेशन पाया जाता है, क्या क्या इसमें लक्षण पाए जाते हैं। तो ये देखा गया है कि जो कुशिंग प्रकार का सिंड्रोम है वो भी जो कोर्टिकल प्रकार का पार्ट है उसमें कार्सिनोमा या ट्यूमर बनने से जो है वो कोर्टिसोल का जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है, इसका सिंथेसिस होता है, और वो हमारे अंदर जो है वो कुशिंग प्रकार का सिंड्रोम है वो प्रोड्यूस करने का कार्य करता है। दूसरी विशेषता पाई जाती है कि इस प्रकार के सिंड्रोम में जो है ब्लड के अंदर हाई शुगर लेवल पाया जाता है, और ये जब हाई शुगर लेवल और ज़्यादा हो जाता है तो धीरे धीरे करके बॉडी से जो बाहर निकलने लग जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर है उस शुगर की कमी हो जाती है, और लॉस ऑफ फैट वज़न जो है वो भी हमारा कम हो जाता है, क्योंकि जो मेटाबॉलिक प्रकार के या मेटाबोलाइट्स होते हैं वो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा वेट है वो कम हो जाता है। प्लाज्मा के अंदर जो है वो हाई सोडियम और पोटेशियम पाए जाते हैं। एबनॉर्मल ओबेसिटी असामान्य प्रकार का जो है वो मोटापा इस कुशिंग सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर रेड मून फेस और बफेलो हम्प ये दो खास प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि चेहरा जो है वो मोटा मोटा वो लाल हो जाता है, साथ ही साथ जो हम्प होते हैं हमारे जो बटक्स पार्ट होते हैं वो मोटे और बड़े हो जाते हैं, और इसी के साथ साथ वास्टिंग ऑफ लिम मसल्स या यूं कह सकते हैं कि हमारे हाथ पैरों की जो मसल्स होती हैं वो भी वीक या कमज़ोर हो जाती हैं, जिसे हम वास्टिंग ऑफ लिम मसल्स कहते हैं। इसी प्रकार से हम मिनरलोकोर्टिकोइड और ग्लूकोकोर्टिकोइड ये दोनों प्रकार के हॉर्मोन एक साथ जो है वो अगर कम हो जाए या इनका हाइपोसिक्रेशन हो जाए, इनका अल्पस्रावण हो जाए, तब हमारे अंदर एक पर्टिकुलर प्रकार का जो वो सिंड्रोम, एक पर्टिकुलर प्रकार की डिजीज जो है उत्पन्न होती है, और उसे हम कहते हैं एडिसन डिजीज। और एडिसन डिजीज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सबसे पहले स्टडी जो है वो थॉमस एडिसन 1849 के द्वारा की गई थी, और उन्होंने ये बताया था कि इस प्रकार की जो डिजीज है उसके अंदर जो मिनरलोकोर्टिकोइड और ग्लूकोकोर्टिकोइड प्रकार के जो हॉर्मोन्स होते हैं उनका सिक्रेशन कम हो जाता है, और ये दो कारण से हो सकता है। पहला कारण ये हो सकता है कि पिट्यूटरी से निकलने वाला जो ACTH हॉर्मोन है वो कम हो जाए, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि पर्टिकुलरली कोर्टिकल पार्ट के अंदर पाए जाने वाले जो
तो चलिए देखते हैं कि जो एडिशन प्रकार के डिजीज हैं उनके अंदर जब वो किस प्रकार का कैरेक्टराइजेशन पाया जाता है। ड्यू टू अंडर एक्टिविटी ऑफ कॉर्टेक्स, कहने का मतलब है कि एडिशन प्रकार की जो डिजीज है उसमें जो कोर्टिकल पार्ट है उस कोर्टिकल पार्ट की जो अंडर एक्टिविटी होती है, कम जो सक्रियता होता है, उसकी वजह से एडिशन डिजीज होता है। जैसा देखा गया है कि जो ट्यूबरकुलोसिस रोग होता है, टीबी जो रोग होता है, उसमें कोर्टिकल पार्ट जो है वो धीरे धीरे करके डैमेज होने लग जाता है और उस कंडीशन के अंदर हमें जो है वो एडिशन डिजीज देखने को मिलती है। सेकेंड, एक्सेसिव लॉस ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोन, ये जो तीन प्रकार के आयन हो रहे हैं, इन तीन प्रकार के आयन का बहुत ज़्यादा लॉस जो है वो हमारी बॉडी से होता है एडिशन डिजीज के अंदर। इसी के साथ हमारे ब्लड के अंदर जो पोटेशियम का लेवल है वो बढ़ जाता है, लो ब्लड प्रेशर या बीपी की शिकायत पाई जाती है, हमारे अंदर वीकनेस, एनीमिया, वोमिटिंग एंड डायरिया जैसे करेक्टरिस्टिक्स जो है वो देखने को मिलती हैं, और इसके साथ साथ जो बॉडी जो है वो वीक हो जाती है, और अगर प्रॉपरली इसको जो है वो क्योर नहीं किया जाता है, इलाज अगर नहीं कराया जाता है, तो निश्चित रूप से जो है वो डेथ हो जाती है। और इसीलिए हम जो है वो इस एडिशन डिजीज़ को, या यूं कह लीजिए कि एडिशन डिजीज़ को ठीक करवाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, या यूं भी कह सकते हैं कि इससे निकलने वाले जो हॉर्मोन्स होते हैं वो हमारे लिए लाइफ सेविंग प्रकार के हॉर्मोन हैं, क्योंकि अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो मनुष्य की डेथ जो है वो निश्चित होती है। तीसरे प्रकार के जो हॉर्मोन्स हैं उनको हम सेक्स कोर्टिकोइड्स कहते हैं, नाम से ही पता चलता है, कोर्टिकोइड का मतलब जो है वो कोर्टिकल से है और सेक्स का मतलब जो है वो सेक्सुअल प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स से हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सेक्स कोर्टिकोइड प्रकार के जो हार्मोन होते हैं वो टेस्टिकुलर और ओवेरियन प्रकार के जो हार्मोन हैं उनके साथ में मिलकर हमारे जो सेक्सुअल प्रकार के करेक्टर्स हैं उनको रेगुलेट करने का कार्य करते हैं। तो सेक्स कोर्टिकोइड प्रकार के जो हार्मोन हैं वो दो प्रकार के जोन से, दो प्रकार की लेयर से सिक्रेट किए जा सकते हैं, जोना रेटिकुलरिस जो कोर्टिकल का बीच वाला पार्ट है, और जोना फेसिकुलेटा जो इनर मोस्ट प्रकार का पार्ट है। तो दोनों प्रकार के पार्ट से जो है वो ये हार्मोन सिक्रेट किए जा सकते हैं। इनके अंदर जो मुख्य प्रकार के हार्मोन हैं उनको हम एंड्रोस्टिंडायोन कहते हैं, एंड्रोस्टिरोन कहते हैं, और डीहाइड्रोएपी एंड्रोस्टिरोन कहते हैं। तो ये हार्मोन जो है वो जोना रेटिकुलरिस और फेसिकुलेटा से निकलते हैं और सेक्स कोर्टिकोइड प्रकार के हार्मोन कहलाते हैं। ये क्या काम करते हैं जी, जो टेस्टिस और ओवरीज होती हैं उनसे निकलने वाले जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनकी तरह कार्य करते हैं, अर्थात हमारे जो एक्सटर्नल प्रकार के जेनेटिलिया हैं या हमारे अंदर जो सेकेंडरी प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। ये एक तरह से मेल और फीमेल प्रकार के जो SSC जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको प्रमोट करने का कार्य करते हैं। इनका अगर बहुत ज़्यादा सिक्रेशन यदि हो जाए तो हमारे अंदर जो है वो विरिलिज, हर्सुटीज और जो गायनेकोमेस्टिया प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। तो इसमें देखने वाली ये बात है कि जो विरिलिज्म और हिर्सुटिज्म है ये तो जो फीमेल हैं उनके अंदर पाए जाने वाली, और गायनिकोमेस्टिया जो है वो मेल के अंदर पाए जाने वाली एक प्रकार की डिजीज होती है। तो देखते हैं कि जो सेक्स कोर्टिकोइड है उनके हाइपर सिक्रेशन से जो है वो किस किस प्रकार की डिजीज होती हैं, किस में होती हैं और उनको किस प्रकार से करेक्टराइज किया जा सकता है। तो सेक्स कोर्टिकोइड के हाइपर सिक्रेशन से होने वाली पहले प्रकार की जो डिजीज है जो बेसिकली फीमेल्स के अंदर पाई जाती है उसको हम कहते हैं विरिलिज्म। और विरिलिज्म जो शब्द है वो लैटिन से ही आया है जिसमें रूट वर्ड है विरली, और विरली का मतलब होता है मस्कुलिन, अर्थात इसमें जो है वो मेल लाइक कैरेक्टर फीमेल के अंदर दिखाई देने लग जाते हैं। कब? जब सेक्स कोर्टिकोइड प्रकार के हॉर्मोन है उनका सेक्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों प्रकार के हॉर्मोन जो है वो कार्य करते हैं और उन दोनों प्रकार के हॉर्मोन के जब एक्सेस की वजह से जब विरिलिज्म उत्पन्न होता है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें देखने को मिलती हैं? फीमेल्स हैव मेल लाइक कैरेक्टर्स जैसे मेल वॉइस, आदमियों जैसी आवाज़ उनके अंदर देखने को मिलती है, बेयर्ड, उनके अंदर दाढ़ी आ जाती है, माउस्टेक्स, उसमें मूछें देखने को मिलती है, एमोनोरिया, मेंस्ट्रुअल प्रकार का जो साइकिल है वो उनके अंदर डिस्टर्ब हो जाता है, और क्लिटोरिस प्रकार का जो पार्ट है वो एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। दूसरे प्रकार का जो हाइपर सिक्रेशन से होने वाली जो डिजीज है उसको हम हर्सुटिज्म कहते हैं। ये भी फीमेल्स के अंदर ही पाए जाने वाली एक प्रकार की डिजीज है जिसके अंदर ये देखा गया है कि फीमेल्स के अंदर और फेस और बॉडी के ऊपर जो है वो एक्सेसिव प्रकार के हेयर्स पाए जाते हैं, या यूं कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर जो है वो रोम पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार की जो कंडीशन है वो गायनिकोमेस्टिया कहलाती है। तो गायनिकोमेस्टिया भी एक लैटिन प्रकार का वर्ड है, गायनी का मतलब जो है वो फीमेल से है, और मेस्टिया इज डिराइव फ्रॉम मेस्ट्रोस, और मेस्ट्रोस का मतलब होता है ब्रेस से या मेमोरी ग्लैंड से। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेल होते हैं उनके अंदर जो मेमोरी प्रकार की ग्लैंड है वो फीमेल की तरह दिखाई देने लग जाती है, अर्थात
तो इस प्रकार की डिजीज के अंदर मेल के अंदर पाए जाने वाली जो मेमरी ग्लैंड होती है वो एनलार्ज हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गायनकोमेस्टिया कहते हैं। अब हम देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा पार्ट या इनर मोस्ट पार्ट, जिसको हम मेड्यूला कहते हैं। अभी हमने देखा जो आउटर मोस्ट प्रकार का पार्ट है, जिसे हम कोर्टेक्स कहते हैं, उस कोर्टेक्स में कौन कौन सी लेयर पाई जाती हैं, उन लेयर के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, और वो हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या कार्य करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मेडुला के द्वारा निकलने वाले कौन कौन से हार्मोन हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या कार्य करते हैं। तो उससे पहले एक नज़र हम जो है वो मेडुला के एनाटॉमी या उसकी संरचना पे डाल लेते हैं। तो ये देखा गया है कि जो मेडुलरी पार्ट होता है वो हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके सेंटर में पाया जाता है। साथ ही साथ कलर के अंदर ये ब्राउनिश या भूरा भूरा दिखाई देता है। ये कॉर्टेक्स पार्ट की तुलना में जो है वो छोटा होता है। छोटा होने के साथ साथ इसका जो टोटल एड्रिनल ग्लैंड है उसका केवल 10% भाग ही जो है वो वेट के रूप में कवरेज करता है। और इसके साथ साथ जो मेडुलरी पार्ट है उनके अंदर कुछ स्पेशल प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जिनको हम क्रोमाफिन सेल्स कहते हैं, क्योंकि ये क्रोमियम सॉल्ट जो होता है उससे स्टेन लेती हैं, उससे अभिरंजित होती हैं, उससे हमें ये देख सकते हैं, इसलिए इनको जो है वो क्रोमाफिन सेल्स कहते हैं। ये एक प्रकार से जो न्यूरल टिश्यू होता है, जो न्यूरल क्लेस सेल्स होती हैं उनसे उत्पन्न होता है, उनको स्पेशलाइज फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करता है। और हमारे अंदर पाया जाने वाला जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है, क्योंकि इसके थ्रू जो है ये एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला पार्ट है वो मेडुला पार्ट कार्य करता है। और साथ ही साथ ये दो प्रकार के हार्मोन सिक्रेट करता है। पहले प्रकार का हार्मोन है एड्रिनालिन और दूसरे प्रकार का है नोरएड्रिनालिन। तो एड्रिनालिन प्रकार का हार्मोन है, इसको हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और नोर एड्रिनालिन प्रकार का जो हार्मोन है उसको हम नोर एपिनेफ्रिन भी कह सकते हैं या कहते हैं। ये दोनों प्रकार के हार्मोन अर्थात मेडुलरी प्रकार के जो हार्मोन्स हैं उनका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो यहाँ जो है वो कुछ एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, कुछ लक्षण दिए गए हैं जिनको कंट्रोल करने का काम एड्रिनल या नोर एड्रिनल प्रकार के हार्मोन जो है वो करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले जो हार्ट रेट है उसे एड्रिनल जो होता है एड्रिनलिन प्रकार का जो हार्मोन है वो एनहांस करने का काम करता है, और नोर एड्रिनल प्रकार का जो हार्मोन है वो डिक्रीज करने का काम करता है। इसी प्रकार से जो कार्डियक आउटपुट है उस कार्डियक आउटपुट को एक्सेलरेट करने का काम जो है वो एड्रिनलिन करता है, और वेरिएबल प्रकार का इफेक्ट जो है वो नोर एड्रिनल प्रकार का देखने को मिलता है। इसी प्रकार से तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्लड प्रेशर बीपी, तो बीपी को जो है वो एक्सेलरेट करने का काम जो है वो एड्रिनल प्रकार का हार्मोन करता है, और नोर एड्रिनल प्रकार का हार्मोन जो है वो एड्रिनल प्रकार के हार्मोन से ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो ये बीपी को जो है बढ़ाने का कार्य करता है। देन रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन को जो है वो इंक्रीज करने का काम, रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करने का काम एड्रिनल करता है, इसके साथ साथ नोडल एड्रिनल है वो भी ऐसा ही काम करता है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को जो है वो एक्सेलरेट करने का काम करता है, और नोर एड्रिनल भी जो है वो स्लाइटली इसको जो है वो इंक्रीज करने का कार्य करता है। O2 कंजप्शन को जो है वो एड्रिनल जो है वो बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, नोर एड्रिनल के अंदर ये इफेक्ट नहीं देखा गया है। और लास्ट हमारा जो ब्लड शुगर है उस ब्लड शुगर को और एड्रिनल जो है वो इंक्रीज करने का काम करता है, या इस पर जो है वो चीफ इफेक्ट रखता है। इसके साथ साथ स्लाइटली प्रकार का इफेक्ट है वो भी नोर एड्रिनल के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ एक मेडुलर प्रकार के जो है वो निकलने वाले दो हार्मोन और उन हार्मोन के द्वारा हमारी बॉडी पर किस प्रकार का इफेक्ट होता है। लास्ट हमें एड्रिनल ग्लैंड आधारित कुछ स्पेशल प्रकार के इफेक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड को बेसिकली 4S ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर 4 मेजर प्रकार के फंक्शंस करती हैं, और वो 4 मेजर प्रकार के फंक्शंस कौन कौन से हैं। पहला फंक्शन है सॉल्ट रिटेनिंग, अर्थात हमारी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट होते हैं, मिनरल होते हैं, उनको रिटेन करने का काम, उन्हें रेगुलेट करने का काम, उन्हें कंट्रोल करने का काम एड्रिनल ग्लैंड करती है। सेकेंड एस का मतलब है शुगर मेटाबॉलिज्म, अर्थात हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर है उस शुगर को जो है वो मेटाबोलाइज करने का काम, उसे डिग्रेड करने का काम, उसे कन्वर्ट करने का काम, उसे रीसिंथेसाइज करने का काम जो है वो कौन करती है, एड्रिनल ग्लैंड करती है, इसके हॉर्मोन करते हैं। और तीसरा जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के अंदर भी एड्रिनल प्रकार के जो ग्लैंड है उसका रोल होता है। और चौथा ऐसा उसका मतलब है सेक्स हार्मोन, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सेक्स कोर्टिकोइड प्रकार के हार्मोन निकलते हैं जो हमारे सेक्सुअल करेक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो 4S टाइप की ग्लैंड होती है, क्योंकि ये 4 मेजर प्रकार के फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर करती है। इसके साथ साथ हम एड्रिनल ग्लैंड को 3F ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये 3 स्ट्रेस कंडीशन के अंदर जो है वो हमें सहयोग करती है, हमें कोऑपरेट करती है, हमें सपोर्ट करती है।
तो यहाँ 3F में पहले F का मतलब है फ्राइट, फ्राइट का मतलब होता है भय या डर। तो डर के समय जो है ये एड्रेनल ग्लैंड हमें जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इससे निकलने वाले हॉर्मोन हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। देन सेकेंड है फाइट, फाइट का मतलब ये है कि लड़ने झगड़ने के दौरान जो है वो हमें ये ग्लैंड जो है वो प्रिपेयर करती है। और तीसरे एफ का मतलब है फ्लाइट, दौड़ने भागने के अंदर या संकटकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अंदर भी जो है इसके हॉर्मोन हमें भागने के लिए दौड़ने के लिए जो वो प्रेरित करते हैं। तो तीसरा जो एफ है उसका मतलब है फ्लाइट। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्राइट, फाइट और फ्लाइट या 3F कंडीशन के अंदर या 3 स्ट्रेस कंडीशन के अंदर एड्रेनल प्रकार ग्लैंड जो है वो कार्य करती है, इसलिए हम इसको जो है वो 3F ग्लैंड कहते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एड्रेनल ग्लैंड को हम 4S एंड 3F ग्लैंड भी कह सकते हैं, जिनका मतलब आपको। एंड लास्ट एड्रेनल ग्लैंड आधारित एक फीडबैक क्विज हम देख लेते हैं कि कितने जो है वो रुचि के साथ है, हमने इस वीडियो को जो है वो शेयर किया है। तो इसमें पहला है कॉर्टेक्स ऑफ एड्रेनल सीक्रेट ओनली स्टीरॉयडल हार्मोन, आपका इसको येस और नो के अंदर आंसर देना है कि ये बात सही है या गलत है। सेकंड, मेडुला ऑफ एड्रेनल सीक्रेट्स ओनली फिनोलिक हार्मोन, कहने का मतलब है कि जो मेडुलरी पार्ट है वो केवल फिनोलिक प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करता है, आपको उत्तर येस और नो में देना है। देन थर्ड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाई एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स के द्वारा जो है वो किस प्रकार के हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, केमिकली हम उनको क्या कहते हैं, कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, या वन वर्ड हम उन हॉर्मोन्स के लिए क्या काम में लेते हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन, मेंशन कैटेगरी ऑफ हॉर्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला के द्वारा हॉर्मोन जो स्रावित होते हैं उनकी कैटेगरी क्या कहलाती है, या उनको भी हम वन वर्ड में क्या कहते हैं। और लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स लीड्स टू, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हाइपोसिक्रेशन से या अल्पस्रावण से और किस प्रकार की डिजीज, किस प्रकार का सिंड्रोम जो है वो प्रोड्यूस होता है वो आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कॉर्टेक्स ऑफ एड्रेनल सीक्रेट्स ओनली स्टीरॉयडल हॉर्मोन, तो इसका आंसर आपको येस और नो में देना है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एड्रेनल ग्लैंड का जो कॉर्टिकल पार्ट है वो स्टीरॉयडल प्रकार के हॉर्मोन जो है वो सिक्रेट करता है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये उत्तर सही है, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जो कॉर्टिकल पार्ट होता है उस कॉर्टिकल पार्ट के द्वारा और केवल स्टीरॉयडल प्रकार के जो हार्मोन होते हैं, कोलेस्ट्रॉल आधारित प्रकार के जो हार्मोन होते हैं उन्हें सिक्रेट किया जाता है। सेकंड, मेड्यूला ऑफ एड्रिनल सिक्रेट्स ओनली फिनोलिक हार्मोन्स, कि जो एड्रिनल ग्लैंड का मेड्यूला पार्ट है वो फिनोलिक प्रकार के हार्मोन सिक्रेट करता है, तो इसमें भी आपको जो है वो येस और नो के अंदर जो है वो आंसर देना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका उत्तर जो है वो नो है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जो मेडुलरी पार्ट है वो और केवल फिनोलिक प्रकार के हॉर्मोन सिक्रेट करता है, फिनोल डेरिवेटिव प्रकार के जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनसे इसके हॉर्मोन डिराइव होते हैं, इसलिए इन हॉर्मोन को हम क्या कहते हैं, फिनोलिक प्रकार के हॉर्मोन्स कहते हैं। थर्ड, विच टाइप ऑफ हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड बाई एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स के द्वारा किस प्रकार के हॉर्मोन सिक्रेट किए जाते हैं, तो यहाँ हम जो है उनको कोर्टिकोइड्स कहते हैं सामूहिक रूप से, क्योंकि कोर्टिकल पार्ट से जो है वो सिक्रेट होते हैं। इसी प्रकार से मेंशन कैटेगरी ऑफ हॉर्मोन्स ऑफ एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल मेडुला के द्वारा सिक्रेट होने वाले जो हॉर्मोन्स हैं उनकी कैटेगरी क्या है, या बायोकेमिकली हम उनको जो है वो क्या क्या कह सकते हैं। तो उन्हें हम न्यूरो हॉर्मोन्स कहते हैं, क्योंकि वो एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर के रूप में कार्य कर सकते हैं, वो न्यूरोन के अंदर हॉर्मोन्स के रूप में काम कर सकते हैं, वो न्यूरल सिस्टम के ऊपर हॉर्मोन्स के रूप में काम कर सकते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, न्यूरो हॉर्मोन्स कहते हैं। इन्हें हम कैटेकोलामिन्स भी कहते हैं, कि इनके अंदर एक जो कैटेकोल चेन है उस कैटेकोल के साथ में एक अमीन चेन भी पाई जाती है, इसलिए हम इनको जो है वो कैटेकोल अमीन्स भी कहते हैं। और तीसरा, हम इनको जो है वो बायो अमीन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार के जो है वो एमीन प्रकार के हॉर्मोन, यानी जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके डी कार्बोक्सिलेशन से इन हॉर्मोन का सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है, इसलिए हम इनको जो है वो बायो एमेंस भी कह सकते हैं। और लास्ट, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स लीड्स टू, कि जो एड्रेनल कॉर्टेक्स पार्ट है उसमें जब हाइपोसिक्रेशन की कंडीशन होगी, अल्पस्राव की जो कंडीशन होगी, तो हमें कौन सी डिजीज या सिंड्रोम होने की संभावना है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एडिशन डिजीज है, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि एडिशन डिजीज एक ऐसी डिजीज है जो एड्रेनल कॉर्टेक्स के हाइपोसिक्रेशन से प्रोड्यूस होती है, अर्थात जो मिनरलोकोर्टिकॉइड और ग्लूकोकोर्टिकॉइड प्रकार के जो हार्मोन हैं उन दोनों के सामूहिक रूप से, उन दोनों के हाइपोसिक्रेशन से जो वो एडिशन